नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों में युवराज का दर्जा प्राप्त बुधदेव 10 मई 2024 से अपनी शत्रु राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। यही बुधदेव 23 मई 2024 से लेकर 29 मई 2024 तक शुक्र के नक्षत्र में प्रभावी रहने वाले हैं। तो इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है? मेष राशि वाले जातकों, शुक्र के नक्षत्रों में भरणी नक्षत्र में बुध का गोचर क्या लाभ आपको इस समयावधि में देने वाला है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इन 7 दिनों की समयावधि में आपके राशि में विराजित बुध का नक्षत्र परिवर्तन क्या प्रभाव आपके जीवन में देने वाला है? तो देखिए, बुध के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, ज्योतिष में बुध को युवराज का दर्जा प्राप्त है और बुध को ज्योतिष शास्त्र में सबसे जल्दी परिणाम देने वाला ग्रह भी माना जाता है। बुध का गोचर भी जल्दी होता है और बुध का किया गया उपाय भी जल्दी रिजल्ट देता है। ज्योतिष में बुध को वाणी, बुद्धि, व्यापारिक जीवन, पारिवारिक जीवन, क्रिएटिविटी, शिक्षा और व्यापार का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर बुध का विशेष प्रभाव होता है। अगर बुध की अवस्था जन्म कुंडली में सकारात्मक हो तो जातक अधिक उम्र का होने के बावजूद भी कम उम्र का दिखाई देता है। जातकों के जीवन में बुध के शुभ प्रभाव से सभी प्रकार की सुख सुविधाएं आसानी से मिलती है। बुध का बली प्रभाव कुशाग्र बुद्धि, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता और व्यापारिक जीवन में अच्छे फैसले लेने की क्षमता देता है। और बुध अगर बलवान हो तो जातक को व्यापार में लाभ होता है, कई स्रोतों से जीवन में धन लाभ भी मिलता है। यही जन्म कुंडली में बुध देव अगर क्रूर और पापी ग्रहों के साथ पीड़ित हो, शारीरिक और मानसिक रूप से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विचारों में अस्थिरता, कारोबार में हानि, चर्म रोग, त्वचा जनित बीमारी और तंत्रिका तंत्र में परेशानी बुध के कमजोर होने पर देखने के लिए मिलती है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में, मेष राशि वाले जातकों के जीवन में 7 दिन में क्या प्रभाव बुध देव आपके जीवन में देने वाले हैं। मेष राशि वाले जातकों, बुध आपके पराक्रम भाव और आपके छठवें भाव यानी आपके रोग भाव के स्वामी होकर दिनांक 23 मई 2024 से लेकर 29 मई 2024 तक आपके लगन भाव यानी आपके राशि में ही विराजित रहने वाले हैं और ये शुक्र के नक्षत्रों में जाने वाले हैं। तो इस समयावधि में जो शुक्र हैं वो आपके राशि के वैवाहिक भाव और आपके धन भाव के स्वामी माने जाते हैं। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बुध का ये गोचर आपके जीवन में पिछले समय से आपके मन में भ्रम की स्थिति और मन में नकारात्मक विचारधारा दे रहा था, लेकिन बुध का शुक्र के नक्षत्रों में गोचर होने से इन 7 दिनों की समयावधि में आपके जीवन में आपके निर्णयों की सराहना और आपके व्यक्तित्व और वाणी की सराहना भी आपके जीवन में होने वाली है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों, वैवाहिक जीवन में यदि आप किसी प्रकार की कठिनाई महसूस कर रहे हैं तो लगन भाव पर बुध का गोचर शुक्र के नक्षत्र में होने से वैवाहिक जीवन में सकारात्मकता मेष राशि वाले जातकों को आसानी से देखने के लिए मिलने वाली है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों के जीवन में प्रेम जीवन में सकारात्मक परिणाम, प्रेम जीवन में समर्पण इस समयावधि में मिलने वाला है। बुध आपके प्रथम भाव पर विराजित हैं तो आपके जीवन में वर्तमान में व्यापारिक सफलता आपको देने वाले हैं। मेष राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान में किसी प्रकार का कारोबार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापारिक जीवन में इस समयावधि में आपको शुभ प्रभाव आसानी से
मिलने वाला है। बुध देव आपके राशि में शुक्र के नक्षत्रों में जाने से आपके राशि में ही विराजित हैं, तो वर्तमान समय में शुक्र आपके धन भाव के स्वामी हैं, तो बुध की मजबूत और बलवान अवस्था आपके जीवन में धन प्रदायक स्थिति बनाने वाली है। मेष राशि वाले जातकों, आपके जीवन में वर्तमान में किसी प्रकार का कर्ज बना हुआ है, उससे आपको निजात इस समयावधि में आपको देखने के लिए मिल सकती है। प्रथम भाव पर बुध का गोचर आपके मन में सिर दर्द और आपको मानसिक परेशानियां दे रहा था, लेकिन 23 मई से लेकर 29 मई तक का जो समय जो आपके लिए है, इसमें आपके लगन में ही बुध विराजित रहेंगे और आपको मानसिक शक्ति देने वाले हैं। भरणी नक्षत्र में बुध के परिवर्तन से स्वास्थ्य में चल रही समस्याएं, जो बुध जनित समस्या आपके सेहत में चल रही है, यानी यदि आपको किसी प्रकार की एलर्जिकल समस्या बनी हुई है, सिर दर्द, माइग्रेन या मन में आपके तनाव की स्थिति बनी हुई है, या मेष राशि वाले जातकों बार बार आपको नाक कान या गले से जुड़ी हुई समस्याएं परेशान कर रही है, उससे आपको निजात भी मिलने वाली है। संचार और संवाद के क्षेत्रों में जिन जातकों का जुड़ाव है, ऐसे जातक जो वर्तमान समय में बुध जनित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उन्हें विशेष शुभता मिलने वाली है। यानी वर्तमान में ऐसे जातक जो वकील हैं, पत्रकार हैं, लेखन या कथा वाचन का काम करते हैं, या वर्तमान समय में टीचिंग क्षेत्र में जुड़कर यदि आप टीचर हैं, तो आपके जीवन में यह समय शुभता आपको देने वाला है। उपाय की जानकारी दिया जाए। मेष राशि वाले जातकों को रोजाना ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करना शुभ रहने वाला है। लगन में ही बुध विराजित हैं और बुध जल्दी परिणाम देने वाले ग्रह माने जाते हैं, तो आपको इस समयावधि में शुभ प्रभाव आपको अत्यंत शीघ्र देने वाले हैं। उसके साथ साथ गायों के लिए यदि आप हरे चारे का प्रबंध करते हैं, तो स्थिति आपके जीवन में शुभ बनने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। आने वाले समय में अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।